अरे यार ये तो कश्मीर से कम नहीं है। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यार घड़ी के कांटे भागे। दोस्तों अभी हम आए आपके नाश्ता करने, पहला स्टॉप हमने लिया है भरूच के पास में। मौसम बहुत खुशनुमा है, इसलिए हमने यहाँ फूल पत्ती वाली शर्ट भी पहनी है। देख सकते हैं आप, हम गोवा नहीं जा पाए लेकिन फील पूरा गोवा वाला लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं आपको गोवा जैसी जगह पे लेके जाएंगे। हाँ वलसाड जो है गोवा से बिल्कुल कम नहीं, एकदम परफेक्ट लोकेशन है गोवा जैसा एंजॉय करने का। फाइनली बारिश आ चुकी है। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी। जबरदस्त बारिश चालू हो चुकी है। हो गई मामो, जिस चीज का इंतजार था। भाई की गाड़ी, भाई की गाड़ी। तंदानी नारे तारी नंदारो तारे नारे रो है, रंदानी नारे तारी नंदार तारे नारे रो, तंदानी नारे तारी नंदारो तारे नारे रो है, रंदानी नारे तारी नंदार तारे नारे रो। वाव ब्यूटीफुल सीन, ये जगह किसी कश्मीर से कम नहीं है। देखिए वो घना पेड़, इधर तो हम लोग बहुत निकलते थे। सही है, अगर आके यहाँ खड़े हो जाते तो बेस्ट। नाइस नाइस। हेलो गो माता, बाय गो माता। फिर देख वाओ, फोटो भी चाहिए यार। बुट्टे सो फाइनली हम काली हिल्स में है, वलसाड का तिथल बीच। बस अब कुछ ही पल दूर आपको इतना बड़ा समुद्र दिखेगा, बस कुछ ही देर में। लेकिन आपका वंडरफुल नजारा। अरे ये तो रोड ही बंद है। फेमस टेम्पल ऑफ वलसाड नियर तिथल बीच। लगता है बारिश होने वाली है। दोस्तों अभी हम तिथल बीच आए हैं, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और दमन की तरफ जाएंगे।
पहले हम उससे पहले बीच में अतुल थोड़ा घूमेंगे, अतुल की पहाड़ी पे जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। यस, तो थोड़ा वलसाड़ और एक्सप्लोर करेंगे। 17 ईयर आई केम हियर। ग्रेट ग्रेट, हियर आफ्टर 17 इयर्स, सो इट्स क्वाइट चेंज। या ग्रेट चेंज। थ्री चड्डा इन द हाउस। अभी हम यहाँ पे भुट्टा खाएंगे। Cheers. दोस्तों अभी हम आए हैं पारनेरा हिल्स पे। अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। हिल्स के टॉप पे एक मंदिर है, वहाँ पहुँच के हम आपको सुंदर नज़ारों से अवगत कराएंगे। देखिए कितनी स्टेप चढ़ाई है। जाते रहो। ये रास्ता कहाँ जाता है? चलो चल लेते। कितना अच्छा रास्ता है। अतुल की फैक्ट्री है, यह अतुल का रेसिडेंस है। अतुल कौन है? अतुल लिमिटेड इज अ कंपनी। यह पहाड़ी भी पूरी अतुल की है, मंदिर का रिनोवेशन भी पूरा अतुल लिमिटेड ने ही करवाया है। सांप है यहाँ पे, कितने सारे सांप है। एक तो ये रहा, पानी में गया ना। तो हवा बड़ी सही चल रही है, मंदिर बिल्कुल अच्छी लोकेशन पर है खड़ी चढ़ाई के बाद। अब यहाँ पे आके मुझे प्यास लग रही है, पर समझ नहीं आ रहा है पानी कैसे पीऊँ मैं, क्योंकि पानी पीने के लिए जाने का कहाँ रास्ता है। इतनी ऊंचाई पे कुछ खाने का मज़ा ही अलग है, और अगर गुजरात में कमन मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। तो 20 साल पहले जब मैं बैचलर था तभी हम लोग यहाँ रहते थे, मेरे जे कॉलोनी। ओके, वो जो दिख रहा है ना मकान, हम्म, वो देखो एक बड़ा सा गार्डन है ना पास वाला, उधर मकान हम लोग थे, दो मकान एक साथ। अच्छा, ये बड़ा गार्डन। फिर शादी होने के बाद हम लोग फैमिली गार्डन। ओके, इधर हम लोग पार्टी वार्टी। आपका ऑफिस किधर था? वही है ना ये ऑफिस मेरा? नहीं, वो जो चिमनी दिख रही है ना। ओके, ये वाली चिमनी। ओके, सर आपकी देख रहे संघर्ष। भैया रहते यहाँ पे थे, फोन करने आते थे यहाँ पे, और ऑफिस जाते थे वहाँ पे, और जमीन उपजाऊ करने आते थे यहाँ पे। इतना संघर्ष करते थे, पहले मेरे सौ किक लगाना, बैठना, उसके बाद स्टार्ट करना, कोई संघर्ष से कर तो ऑटो स्टार्ट, गाड़ी आ गई है। यहाँ पे कछुए ही कछुए है, तो कहते हैं पत्ते पत्ते पे लिखा है बैठने वाले का नाम। मस्त मजे से मजे रहे सही है। बोतलें फेंक रही किसी ने? हाँ यार, ये गलत चीज है, इसकी हम निंदा करते हैं। इन सबकी मदर है सबसे बड़ी। क्या सही है, एक्टिंग है पूरी, एक्टिंग ऐसे कूद रहे जैसे कि बिल्कुल देवानंद की तरह। देवानंद पूरी एक्टिंग।
हम तो सेल्फी ले रहे हैं। जाओ जाओ आप जाओ। अरे भाभी साहब, अरे किसने बुलाया आपको? जाओ 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 भाभी जी, जाओ जाओ भाभी जी। ऐसे पब्लिक में ये सब आप मत किया कीजिए, हमें कुछ टाइम अलग अकेले में स्पेंड करने दीजिए। जाते हुए कितना ब्यूटीफुल रास्ता है, एकदम लश ग्रीन ट्रीज। और मेरा इनसे नीचे उतरते हुए, दिस इज अतुल, माय थैंक्स, दिस इज मेंटेन्ड बाय अतुल, दिस इज ही, दिस इज द एग्जिट गेट, वेरी ब्यूटीफुल। हम आए अतुल लिमिटेड के क्लब हाउस में, दिस इज द क्लब हाउस ऑफ अतुल। बारिश चालू हो गई है, बहुत अच्छा वेदर। दमन में है और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे। निकल गए, निकल गए ना, अभी आएंगे। और दमन का मार्केट है, मेन मार्केट है यहाँ, कपड़ों की दुकानें, कैसेट माओ। दोस्तों अभी हम दमन में आ चुके हैं एंड हम इस होटल में रुके हैं, विच इज पर्पल बैट्स। पीछे ही सी है, बीच है, द लोकेशन इज वेरी गुड। गाइस सी दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम आवर होटल, शानदार दमन बीच। हमारे साथ चोट हो गई, बीच तो अभी बंद है, वहां पे जाने नहीं दे रहे, मंडे को खुलेगा। दोस्तों सूत्रों से पता चला है देव का बीच खुला है, तो हम वहां जा रहे हैं। लेट्स सी, तो हम आ गए दमन बीच पे। कैसी मिट्टी है, क्या है ये, जूतों की बैंड बच जाएगी। ऐसा लग रहा है कि हम चांद पे चल रहे हैं। और फाइनली पानी को छूते हुए, अरे पानी चला गया, वापस आएगा पानी, आएगा फाइनली आफ्टर सो मच पेशेंस एंड आफ्टर सो लॉन्ग। ज्यादा चॉकलेटी पानी है। हाँ भाई कैसा लगा पानी का छटके? बहुत ठंडा मजा आया, एकदम क्लास जगह है, गर्मी करता है लेकिन बहुत ठंडा है। बोन मीटर और इसके साथ हम आए खाने के लिए। लेके आना बोल।
वही यार, इससे गंदे पानी में बिल्कुल देखो यार, सही में ऐसा लग रहा है इनको होल्डिक्स का पानी है। हम शॉपिंग करने आए हैं मर्काडो जो भी है यहाँ पे, क्या क्या मिलता है। हम सी साइड बैठे हैं, वो पीछे हमारी होटल है, बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। हिमेश रेशमिया एकदम मुंबई वाला फील आ रहा है, मरीन ड्राइव वाला, वेरी नाइस प्लेस। तेरी चाहत में ऊपर देखना, ऊपर सो फाइनली हमारा दमन का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। रात को हमने पार्टी की, बीच पे गए और अभी मॉर्निंग में हम लोग निकल रहे हैं हदगढ़ क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में जो है सापुतारा के पास में। सो सी यू देयर नाश्ते के टाइम पे। सी द ब्यूटीफुल रोड, हम न रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हेलो दोस्तों। हाँ, हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया और वो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, उसके सामने बहुत सारे फोटो खींचा है। सह्याद्री माउंटेन्स आप देख सकते हैं वो हमारे पीछे, सह्याद्री वेस्टर्न गार्ड्स भी कहते हैं इसे। बहुत बारिश होती है यहाँ पे सारे, इसीलिए देखो कितना हरा भरा है। गुजरात का चेरापुंजी बोलता है जी, मैं तो इसे गुजरात का कश्मीर कहूंगा। देखिए यहाँ की, यहाँ की देखिए वादियाँ देखिए, वाह वाह वाह। मतलब पिछले 2-3 दिनों में हमने गोवा घूमा, कश्मीर घूमा और वो सारा सब कुछ गुजरात में ही घूमा और दमन भी घूमा। अभी आएगा ले भैया, मैं आपको एक डेढ़ देता हूँ।
कर सकते हो क्या? आपने पहले हाँ बोला। हाँ करूंगा, बोल। कर सकते हो तो यहाँ बोला फटाफट। आपको यहाँ पे गाड़ी रोक के आगे जाके सड़क के बीच में डांस करना है। डांस करना है, क्या बात है। यस, देखो कितना अच्छा है, यही रोक दे काम पे। कौन सा गाना बजाया जाए? दर्शक भी है यहाँ। दर्शक भी है तो देख रहे सी। भैया ने तो अपना डेयर कर दिया, अगली बारी शुभम भैया की, सबको डेयर मिलेगा। भैया ने वहाँ बहुत ही छोटा डांस किया, इसलिए भैया को हमने फिर से डेयर दिया है कि आप यहाँ थोड़ा बड़ा कीजिए डांस। बिल्कुल बड़ा करेंगे अब हम थोड़ा। वो देखिए एक और खिलाड़ी उधर, कहाँ, रेडी स्टेडी गो स्टार्ट। अरे ये मेरे को लेके जाओ, कहाँ भाग रहे हो गाड़ी में? देखिए आपको रास्ते, देखिए आपको रास्ते, देखिए बड़ा ही आनंदित और सुगम है लगेगा। भैया बोल रहे हैं कभी नहीं सोचा था इतना अच्छा रोड होगा, हमें देखने को मिलेगा, हम इतने लकी रहेंगे। देखिए एकदम घने जंगल, जंगल में मंगल करते हुए। ओ पानी उड़ा। अच्छा यस, अच्छा क्या देखिए दोस्तों आज हम एक गांव में आए हैं। अब यहाँ पे गांव वाले हैं, इनसे पूछते हैं कौन सा गांव है। अरे बासा बासा राम राम, कशो गांव है, कशो गांव है। यो होनियाना, होनियाना, ओ ये होनियाना राजस्थान में भी है, होनियाना महाराष्ट्र में भी है, होनियाना कोलकाता में भी है। अच्छा यस, अच्छा मजा आयो? मजो तो मां ले लेवा, चाय पीवो के आप बनाओगी? कटे काम करो, कतरी दान की भेजाओ। तीन चार रुपया भेजा। अरे लो 5 रुपया रो, 10 रुपये पैकेट लो यार, आप कई बात करो। 10 रुपया 10 रुपया रो लो, 5 रुपया वापस दो, 5 रुपया वापस दो। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहां ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको, हर सपना सच लगे, जो पे मगन जले, जो राह तू चले अपने माने, मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने सफर नामा।
पूरे क्लाउड से उधर कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां से, अब तो आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है। See the clouds, बादलों से भी ऊपर आ गए हम। क्या बात है, मजा आ गया। अरे यार ये तो कश्मीर से कम नहीं है। फाइनली वी रीच्ड क्लब महिंद्रा इन हाथगढ़। 3 घंटे में हम लोग यहाँ पहुंचे। हमने प्लान किया था 11:30 तक आने का और हम 11:30 एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुके। दोस्तों अभी हम खेल रहे हैं कैरम। अब हम चेस खेल रहे हैं। एडल्ट्स का रूम है, ये वाले को हम खींच के बेड बना लेंगे। 1, 2 एंड 3। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सापुतारा। अभी हमने गीले होने का पूरा प्लान बना लिया है। बारिश हो रही है बाहर। ये देखिए पूरा जो पहाड़ है एकदम बादल में कवर्ड है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए सारी वादियाँ एकदम ग्रीन ग्रीन, देखिए पूरा बारिश का माहौल जबरदस्त। दोस्तों बारिश हो रही है धीरे धीरे।
फ्लो देखिए, वाह, हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। यहाँ पे विजिबिलिटी काफी लो है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको सब कुछ दिखाने की। yes. देख सकते हैं आगे लेक है, हम भी नहीं देख पा रहे हैं, हम मंदिर लगा सकते हैं पीछे, एक बहुत अच्छा मंदिर है। और देखिए कोहरे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कभी कभी बहुत बहुत कम मिलता है, बहुत सालों बाद हमने भी देखा है। आइए डीजे चलाइए। My heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 안고 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Someday you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 모습 나 말아 스피드 사드 디야 जब हम जा रहे थे तो मीडियम रेन थी, लेकिन अभी वापस रिटर्न जा रहे हैं तो अभी हैवी रेन है, हम घूम पाए मीडियम रेन में, रेन में चाय नहीं मिली, अफसोस। ऑफ कोर्स हम होटल जाके पियेंगे, चाय जैसी चीज एक नीड है, जरूरत है। जाम देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, देखो हम भी इसी में क्या है, तो विजिबिलिटी सबसे कम है, चला गया था तो वही चला और अभी चाय का ऑर्डर दे रहे हैं। क्या खूबसूरत जगह है ये, देख सकते हैं आप, और ऐसी जगह पे चाय पीने का मजा ही अलग है। पहाड़ में उंगली कर दी, पहाड़ तो उंगली नहीं करने का, तो पहाड़ छोड़ेंगे नहीं, पहाड़ से उंगली करेगा। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने क्या बात है, क्लाउड्स मुंह पे आ रहे हैं, आप कैमरे में नहीं आएगा वो चीज, बट यहाँ पे रह के हमको समझ आ रहा है, लोग क्लाउड्स खा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला क्लाउड है, अब बिजली छोड़ेंगे भैया। के जन्म से भी पहले तेरा
जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। देखिए मैं आपको बत के दिखाता हूँ, अभी वो सो रही है, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक ऐसे पोजीशन में जाने की तैयारी। 9 बजे हम नीचे जाएंगे, लोबी में वाईफाई आता है तो थोड़ी देर शेयर मार्केट करेंगे, उसके बाद में हम निकलेंगे अहमदाबाद की ओर। देख सकते हैं सो ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स टाइम टू गो। हम लोग अब निकल रहे हैं जाने के लिए, बहुत तेज बारिश हो रही है, नहीं हो रहा गीला। बारिश ने हमारा पूरा साथ दिया है, पूरा मजा दिया है बारिश ने हमको इस सफर में। सापुतारा की लेक, कल यहाँ पे काफी कोहरा था, हम घूम नहीं पाए, आज आपको दिखाते हैं। मामा जी के घर आ चुके हैं। मामा जी प्रणाम। मामा जी जो रिपोर्टर कर लाइट चल रहा था, रिपोर्टर दिखे गई थी, रिपोर्टर के मुंह दिख रहे थे। मामा जी ऑफिस का काम करते हुए पाए गए। जैसा कि हर एक शुभ काम का अंत एक बड़ों के आशीर्वाद से होना चाहिए, अच्छे किसी, तो हम यहाँ मामा के यहाँ आए। मामा आशीर्वाद दीजिए। मामा मामी जी तो बड़ों के आशीर्वाद से आज हम इस ब्लॉग का अंत करते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, मामा के यहाँ आए, हमने दाल बाटी खाई, आज सावन का पहला सोमवार था, दो दो बार मामा ने चाय भी पिलाई मामी जी के हाथ। अच्छा लगा मामी जी ने पिलाई चाय, मामी जी के हाथ में ले लिया फोटो, दाल बाटी भी मामा जी ने, क्रेडिट सारा मामा को चला गया। मामा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे
मामा ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं। मामा की आज छुपा हुआ टैलेंट हमारे सामने निकल के आया है अनएक्सपेक्टेड, इसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट टाइम एंड करते हैं ब्लॉग का। सी यू सून, बाय बाय।